हमारे साथ अनुभवी मंत्री भी जोड़े गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का फायदा मंत्रिमंडल के हर प्रस्ताव के चर्चा में संवाद में होगा। हमारा हर प्रस्ताव जनसेवा के लिए बहुत ही योग्य बनेगा और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की प्रगति में जो हमारा राज्य गीत है, दिल्ली से ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, तो हमारे देश की प्रगति में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने नौ मंत्रियों की बात की, जो अनुभवी नौ मंत्री हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर मतलब उनके बारे में दिया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे शरद पवार? नहीं, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, एक लेटर ही दे सकते हैं, उनके हाथ में बचा क्या है? अब उनके हाथ में बचा ही कुछ नहीं। अगर उनके साथ, मैं एक बात पूछता हूं, उनके साथ विधायक होते तो आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते? भैया आप ANI का लेकर उनके साथ बोलते ये विधायक है क्या? उनके साथ है दम तो विधायक बता सकते थे, विधायक है ही नहीं। पार्टी चले गई, आधे इधर आधे उधर, पीछे कुछ नहीं रहा है भैया, हमेशा आपकी गुगली नहीं चलती। पहले शिवसेना, अब NCP, कांग्रेस में से भी कुछ लोग आ सकते हैं क्या? देखो, देश में कांग्रेस में ही नहीं, देश में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके नेताओं से परेशान हैं, क्योंकि उनके नेता पूरे स्वार्थ से लबालब भरे हुए हैं। उनको ना देश की प्रगति चाहिए, देश विश्व गौरव होने में वड़ंगा डालते हैं, उनको सिर्फ एक ही बुखार है, मोदी जी नहीं चाहिए, जो चाइना चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो आतंकवादी चाहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए, हारना चाहिए, उनका विजय नहीं होना, ये भी चाहते हैं।